तो दोस्तों लगभग मेरे को 3 साल हो चुके हैं फ्री फायर खेलते हुए, बट ये वाला वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसे खेलते समय मैं खुद इतना ज्यादा एंजॉय कर रहा था जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं। एक सोलो और स्क्वाड गेम प्ले वीडियो है, बट मैंने इस वीडियो में ऐसे ऐसे तरीके से लोगों को मारा है जिसे देखने के बाद लिटरली तुम लोग शॉक हो जाओगे कि भाई ये क्या चल रहा है। तो चलो फिर गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं। तो मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम और साथ ही में मैंने पहना है फ्री फायर हिस्ट्री का सबसे रेयर बंडल हिपो बंडल और उसके साथ में है एक पायरेट कैप जो कि काफी रेयर है। अगर ये दोनों चीज तुम साथ में पहन लो तो बनता है डेडली कॉम्बो। सामने उतरी है 2 स्क्वाड, ओके एक स्क्वाड सामने उतरी, 1 स्क्वाड पीछे उतरी है। इसका गया है इंटरनेट। बेचारा इंटरनेट के बिना का इंसान क्या ही करेगा बताओ, कितना शरीफ इंसान था, मर गया। अभी भी इसके टीम के 3 बंदे अलावा, अच्छा एक बंदा वो पीछे से भाग रहा है, एक बंदा इस घर में ही है क्योंकि मेरे को पुष्टे पा रहे और तुम लोगों को भी जाहिर सी बात है आ ही रहे होगे। और इस गेम में मेरा एक ही मकसद है, लोगों को पागलों की तरह मारना, क्योंकि मैं रैंक प्लस नहीं करना चाहता हूँ, मैं लोगों का रैंक माइनस करवाना चाहता हूँ क्योंकि नया नया रैंक सीजन आया है। वैसे ये बंदा यहाँ पे ही है, ये आया और हेडशॉट खत्म, ये होती है बातचीत। अब इसके पास से मुझे मिलेगा शॉर्ट रेंज का गन जो कि मेरे पास नहीं था। अपन लोग पैरासिटामोल रख देंगे और पकड़ लेंगे मैक 10 क्योंकि शॉर्ट रेंज गन है और ये पेरापल अच्छी गन है नो डाउट यार, बट क्या होता है ना जब आपको M4A1 मिले तो चुपचाप उठा लो क्योंकि फ्री फायर की सबसे बेस्ट गन M4A1 है। और ओके एक मिनट, इसकेस मिल गया, इसकेस उठा लेते हैं। ओके मतलब गन अपने ऊपर होता है, ऐसा होता है कि गन जो तुमको पसंद है वो चलाओ ना, ऐसा थोड़ी होता है मैं जो चलाऊंगा तुम वही चलाओगे। वैसे यहाँ पे 40 बंदे, अरे 40 बंदे अलाइव, हिंदी में बोलते सामने देखो ये वाला बंदा, ए हेलो बच्चे क्या बोला मैंने, हमसे पंगा लेगा तो महंगा पड़ेगा। चलो यहाँ पे हमारे 3 किल हो चुके हैं, जैसे उसका किल कंफर्म होगा हमें 3 किल मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे फायर कर, अच्छा ये भैया एक गोली का बच गया, माँ कसम खा के बता रहा हूँ, वरना तो मतलब मर ही गया था, ऑलमोस्ट तो खत्म हो गया था। एक और बंदा था जो कि सीमेंटेड में था, मतलब जो उसके सामने एक घर है ना वहाँ पे वो बंदा है, तो उसे हमें मारना पड़ेगा। बट उससे पहले अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा देना इसी और वीडियो के लिए। वैसे तुम लोग नए हो तब ओके, ये अभी नहीं बोलना चाहिए सब्सक्राइब वाला, बट कर देना। ये रहा है बंदा, एक गोली मार देते ताकि इधर आएगा, रुको ये लो, अभी इसका ईगो हमने हट कर दिया है, बाहर निकलेगा 1 टैप लो खत्म। देखो आदमी लोगों में एक प्रॉब्लम होती है ईगो की, अबे ईगो जो एक बहुत गंदी चीज भी है और साथ ही में बहुत अच्छी चीज भी है। अब इसको हमने एक गोली मारा ना, कोई भी आदमी हो गेम खेले उसको तुम एक आध गोली मार दो तो भड़क जाता है कि मेरे को गोली कैसे मारा, मेरे को कैसे मार सकता है कोई, और वो हमें मारने के लिए बाहर निकलेगा तब आप 1 टैप मार के उसको खत्म कर सकते हो। बट एक चीज इसमें बहुत ज्यादा काम करती है वो है आप प्रो होने चाहिए, अगर आपने फालतू में उसको गोली मार दी और सामने वाला प्रो है तो आपकी धोती भी खोल देगा वो, तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखो, आप प्रो होने चाहिए उस बंदे से वरना वो बंदा तुमको मार सकता है। हम लोग यहाँ से मारेंगे मेडिकेट, मतलब मार ली है, एक मारेंगे इनहीलर और निकल लेंगे यहाँ से। 4 बंदे हमने मारे हैं, 34 बंदे अलाइव है जो कि बहुत बड़ा नंबर है, और 34 बंदे से कैसे 40 हो जाएगे बस वो तुम देखते जाओ। तब तक जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना एक और बार, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं बोलेंगे बट हम लोग एक 35 मिलियन सब्सक्राइबर का जो एक मार्क आता है उसे टच करने वाले हैं, तो उसमें मेरे को चाहिए तुम लोगों का सहयोग। तो अगर नए हो तो ये सही टाइम है सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाने का। 37 बंदे अलाइव है जिसमें एक हम भी है, बट सबसे बड़ी बात है कि हम जब वहां से जीपलाइन पकड़े थे तब 34 बंदे थे, अभी 37 हो चुके हैं, थोड़ी देर में 40 भी हो जाएंगे क्योंकि ये वाली लोबी जो मैंने तुम्हें बोला ना थोड़ी देर पहले ग्रैंड मास्टर लोबी मिलती है, नया नया रैंक सीजन आया है तो सभी लोग रैंक पुश कर रहे हैं, थोड़े बहुत लोग ग्रैंड मास्टर में पहुंच भी गए होंगे, तो वो लोग जो लोग नहीं पहुंचे हैं वो लोग ट्राई कर रहे होंगे, और जो ग्रैंड मास्टर में पहुंचे होंगे वो बंदे भी इस लोबी में होंगे, वो लोग मरेंगे नहीं, वो लोग मारने की ट्राई करेंगे। तो ये वाला जो कॉम्बो है ये ग्रैंड मास्टर वालों का बहुत तगड़ा होता है, जो पहुंचना चाहते हैं और जो पहुंच चुके हैं, और उसके बीच में हम होते हैं जो इन लोगों का रैंक माइनस करवाना चाहते हैं। अब ये जो 3 कैटेगरी मैंने तुमको अभी बताया, 40 हो गए, देखो 40 बंदे हो गए, अब जो मैंने तुम्हें 3 कैटेगरी बताई ना उसमें सबसे घटिया कैटेगरी होती है अपनी वाली, क्योंकि हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई ग्रैंड मास्टर है नहीं है, हम दोनों को मारेंगे, और उसके लिए हमें चाहिए गाड़ी जो कि हमें सामने दिख रही है। अब एक गाड़ी लेके हम लोग घर में घुस घुस के जो लोग ग्रैंड मास्टर वाले उनको मार के 43 बंदे हो चुके हैं, अब इनको मारने के लिए हमको बहुत तगड़ा गेम प्ले करना होगा। और बंदे कहाँ मिलेंगे, पिक पे तो मिलेंगे नहीं, 1 स्क्वाड मिली थी जो थोड़ी दुरंधर स्क्वाड थी, उसने सोचा था पिक पे जाएंगे क्योंकि सभी लोग तो ऑब्जर्वेटरी और यहाँ वहाँ पे कहीं पे उतरे होंगे क्योंकि सब लोग ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे हैं, तो पिक पे कोई नहीं होगा, हम लोग मजे लेके आ जाएंगे, तो हमने वहाँ पे उन लोगों को बहुत गंदा पीट दिया है। अभी जो ऑब्जर्वेटरी वाले सोच रहे हैं कि हम लोग ऑब्जर्वेटरी पे जाएंगे जहाँ पे बंदे नहीं मिलेंगे सुरक्षित रहेंगे, अब उनको मारने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं,
तो इसलिए मैं जा रहा हूँ ऑब्जर्वेटरी वाली साइड पे। और तुम्हें बताओ ऑब्जर्वेटरी पे जो बंदे उतरते वो होते गंगोर कैंपर लोग, वो लोग चाहते ग्रांड। देखो एक बंदा दिख भी गया, अब ये बहुत गंदी मौत मरेगा। अब इसको हमें बस एक टोकर मारनी है, गाड़ी का एक थोड़ा ऐसे हल्का सा छू के निकल जाना है, फिर मारनी है दो तीन गोली। अब ये बंदा रोता फिरेगा, अब ये हो गया है खत्म यहाँ पे। देखो इस तरीके से इसके बैग को देखना, इसमें क्या मिलेगा। वाह क्या मस्त ग्लूवल मिली है। अभी वापिस हम लोग यहाँ से गाड़ी, अब ये ऊपर वाले को थोड़ी सी हल्की सी गाड़ी की टक्कर लगाने की ट्राई करनी है हमें। अगर जिंदा रहेगा तो बढ़िया, प्रो बंदा है तो कोई। अरे P90 ने दिया धोखा, P90 का ही लोचा। अरे 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 नई बात बनी, ग्लू लगाना पड़ेगा, खत्म। माँ कसम खा के बता रहा हूँ, इसके पास अगर मैक 10 नहीं होता ना तो हम लोग मर जाते हैं। और इसके पास मैक 10 था इसीलिए मैं इसके साथ इतना क्लोज रेंज में फाइट किया, क्योंकि अगर तुम्हारे सामने वाले के पास मैक 10 है तो बस उसको तुम पेन से भी मार सकते हो, कटाना से भी मार सकते हो। एक चीज़ याद रखनी है तुम्हें कि मैक 10 वाला बंदा नूबड़ा होता है। अगर तुम्हारे खुद के पास स्टार्टिंग में तुम कितने भी प्रो हो, अगर तुम्हारे पास मैक 10 है और सामने वाला क्ला लेके आया है तो तुम गए काम से भाई, समझ लो। क्योंकि मैक 10 ना डैमेज देती है, वो गनी फ्री फायर में क्यों है मेरे को नहीं पता है। मैक 10 के साथ में 3-4 बार मरा हूँ और मेरे को पता लग चुका था तब तक कि अब ये मैक 10 गन तो नहीं चलने वाली है, बट फ्री फायर वाले फिर भी नहीं हटा रहे हैं। मैक 10 से अच्छी तो पिस्तौल G18 होती है ना, वो इससे बेटर गन है ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि कम से कम उससे मज़ा आता है खेलने में। मैक 10 बहुत घटिया गन है, मैक 10 जिसके हाथ में वो मरेगा। तो ये थोड़ा भाषण था जो मैं तुम लोगों को देना चाहता था, थोड़ी एडवाइस की तरह लेना इसको अगर लेना है तो, वरना फिर पहाड़ में जाए अज्जू भाई और पहाड़ में जाए उसकी एडवाइस, लाइक मार देना बस। अभी आगे बढ़ते हैं, बंदे जो है वो जोन के अंदर रहते हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर वाले बंदे होते हैं वो करना चाहते हैं कैंप, क्योंकि उनको नहीं मरना है, उनको करना है अपना रैंक को प्लस। तो वो कहाँ रहेंगे, पहले जोन के अंदर, दूसरे जोन के अंदर, उसके बाद बाहर निकलेंगे, क्योंकि तब तक तो जोन काटता नहीं है। अब देखो जोन में जाते बंदे मिलेंगे, ये देखो ग्रैंड मास्टर वाला प्लेयर है भैया। अब इसको अगर हमने गलती करी तो ये बंदा हमको मार सकता है, बट ये ले, अब इसको ऐसे लेटाना है, अब इसको पूरा ख़त्म भी करना है क्योंकि ग्रैंड मास्टर वाला प्लेयर है। अब इसके बैग से जो तुम्हें लूट मिलेगी ना, वो देख के तुम लोग चुल्लू पर पानी में डूब मरोगे कि ऐसी लूट। देखो अद्भुत लूट, कितने ग्लूवल है, 4 जन्मों के ग्लूवल, मतलब तुम ये समझो कि हम नॉर्मल प्लेयर तो अरे कौन आया, हम नॉर्मल प्लेयर 4 मैच में जितना ग्लूवल यूज़ करते हैं उतना एक मैच में लेके बैठे हैं। अब हमारे पास 80 HP है और ये ग्रैंड मास्टर वाला जो प्लेयर जिसको हमने मारा ना उसका ही टीममेट्स है। अब ये बंदा हमारे ऊपर हो चुका है पागलों की तरह पागल। अभी हमें निकल लेना है गाड़ी लेके, हमारा हेल्थ डाउन है, एक शॉटगन की गोली पास से गुजरी तो भी हम गुजर जाएंगे, तो उससे अच्छा कि हम गाड़ी लेके इधर उधर घूम के उसको देते हैं। कहाँ गया भाई ये ग्रैंड मास्टर का 14, आ जा ये रहा। हाँ इस तरीके से कुछ हेडशॉट मारने हैं। अब इसके पास तो एक शॉटगन जिसे हम लोग उठाने वाले हैं, क्योंकि ये M1887 है, ये वाली शॉटगन P90 गन से तो लाख गुना अच्छी है। मेरा हेल्थ काफ़ी लो है बट ये जोन भी पहला दूसरा ही है, तो ये जोन कुछ भी नहीं काटता है, तो टेंशन नहीं लेने का, आराम से लूट करनी है हमें, गाड़ी लेनी है और निकल लेना है। अब मेडिकिट मारते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और भी ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर मिलेगी क्योंकि ये लोग जोन से खेलते हैं। ये देखो ग्रैंड मास्टर वाला, इसको मारना पड़ेगा, हेडशॉट बंदा खत्म। ये होती है चीजें, अरे कोई पीछे, अरे वाह एक और ग्रैंड मास्टर वाला बंदा मिल चुका है। तुम्हारा ग्रैंड मास्टर मैं आज करता हूँ, तुम्हारा ग्रैंड मास्टर का भूत निकालता हूँ, ये ले। अब बोल ग्रैंड मास्टर जाएगा तू। आज इस गेम में हमारा एक ही मकसद है, जो लोग ग्रैंड मास्टर में पुश कर रहे हैं उन लोगों का ग्रैंड मास्टर नहीं होने देना है, उनके स्क्वाड को इतनी कुत्तों की मौत मारना है, इतनी कुत्तों की मौत मारना है कभी उन लोगों ने सोची भी ना होगी। तो अभी अच्छा एक और ग्रैंड मास्टर प्लेयर है, ये देखो भैया, अब ये मरेगा कि नहीं मरेगा, इसको पहले किल चोरी करते हैं। अरे का पागल आदमी है ये, बच गया, ये लो खत्म हो गया। ये जो लड़का था वो सच्ची में दिमाग से अस्थिर था, इसका मगज बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, उसका जो ऊपर का माल आता है वो खाली था, क्योंकि अगर ये बंदा पीछे मुड़ के हमें शॉर्ट रेंज की गन से किसी भी गन से मारता तो जाहिर सी बात है वो मेरे को मार सकता था, ऑलमोस्ट मेरे को मरने की हालत पे तो छोड़ सकता था, बाद में मैं उसको मार ही देता क्योंकि मेरे को मारना इम्पॉसिबल है। अभी मैं इसके बैग से उठाने वाला हूँ सीत। अब तुम लोग बोले क्या रज्जू भाई तुमने सीत क्यों उठाया, तो उसका मैं तुमको बताता हूँ क्यों उठाया। थोड़े दिन पहले ही एक नया रैंक सीजन आया है, तो अब लोग जो ग्रैंड मास्टर पुश करने वाले बंदे होते हैं ना उनको जो स्टार्टिंग में गन मिलती है वहीं चलाते रहते हैं। बहुत सारे लोग मैक 10 चलाते हैं जैसे हमने पहले भी देखा, और मैंने क्या बोला मैक 10 वाले बंदे को तुम क्ला के बुक्के से मार सकते हो, मतलब तुम सिर्फ फिस्ट से मार सकते हो, तो हम लोग फिस्ट से नहीं मारेंगे, जो मैक 10 चलाएगा उसको हम लोग साइड से काट देंगे। तो यहाँ पे लगा है एक ग्लू वॉल और ग्लू वॉल के आसपास, अच्छा एक और ग्रैंड मास्टर वाला प्लेयर दिख चुका है, इसको उड़ाना पड़ेगा। वाह
हालांकि ये थोड़ा प्रो लगा। अरे कुत्ते की मौत मरा ये इसको तो भाई क्या बोलू, बहुत गंदा मरा ये वाला बंदा। अभी भी है बंदे, ऐसे नहीं है। देखो 12 बंदे मेरे को गेम के अंदर अभी तक देखने लगे हैं कि ये कोई प्लेयर आया है धुरंधर, ये कुछ भी करके मार रहा है ऐसा। मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि मैं किल भी तो कर रहा हूँ तो बनता है भाई। अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक गाड़ी पड़ी हुई है, सामने की साइड से आ रहा है एक बंदा, इसको उड़ाते हैं। रुको आ जा बेटे। अच्छा ये धोती खोल देगा, गाड़ी लेके निकलना पड़ेगा। एक ग्लू वॉल लीडर। अब लेते हैं गाड़ी। धोती खुल गई भाई, मतलब 6 HP बच गया। माँ कसम क्या बचा हूँ, गाड़ी टूटने वाला है। एक गोली गाड़ी के पास से गुजरी तो मैं गुजर जाऊँगा। अभी निकलो इधर से गाड़ी लेके, नहीं छेड़नेगा इन लोगों को। अच्छा एक और ग्रैंड मास्टर करवाते आ जा, तुम लोगों का टेंशन नहीं लेने का। ये रहा ग्रैंड मास्टर, प्रॉपर ग्रैंड मास्टर प्लेयर। लो बचा रहा, जैसे ही खड़ा हुआ उसने बोला ग्लू वॉल लगा के थोड़ा बचने की ट्राई करते हैं। हमने बोला नहीं भाई, अगर हम आए हैं तो तुम्हारा मौत कन्फर्म है। अब ये लोग जो थे ग्रैंड मास्टर वाले, ये कहाँ गए? हाँ इधर से आ रहे, वहाँ पे उसको छेड़ने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़े प्रो बंदे लग रहे हैं मेरे को। अच्छा एक और यहाँ पे हमें दिख चुका है, अब इसको मारेंगे, इसका भी ग्रैंड मास्टर बिगाड़ते हैं। भाई इतना कम डैमेज काहे आ रहा है, नो का डैमेज आ रहा है लिटरली भाई। एक मिनट रुको, देते इसको, ये लो। ओ ये कोई नीचे से भी गोली चला रहा है, ये लो। मैंने इतना डैमेज दिया और किल किसी और ने ले लिया नीचे से। अब चलो गाड़ी, अरे यार फंस चुकी है गाड़ी, नीचे से आ रहा है, ये ले नुबड़े भाई। बहुत गंदा वन टेप मारा है, निकलना चाहिए हमें यहाँ से, गाड़ी निकल नहीं रही। अपन अपनी गाड़ी लेके निकलते, एक इनहेलर मार ले। अरे यार रास्ता ही नहीं है, अभी बहुत मुश्किल है बचना भाई, फंस चुका हूँ मैं। ये जोन आखिरी वाला है, बहुत गंदा काटेगा। अच्छा ओ साथ का काट रहा है, ये लो सुपर मेडिकिट का कमाल। अज्जू भाई एक और बार यहाँ पे बच चुके हैं। तो इसी बात पे जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी कर देना। हम लोगों ने कर दी यहाँ पे 14 किल। अभी और भी बंदे हमें मिलने वाले हैं। अच्छा एक मिनट, आ गया, साउंड आ रहा है, इसको देते आ जाओ। ये लो भैया, अरे बात नहीं बनी अभी। अच्छा बेटे प्रो है भाई, देखा खत्म भाई। कोई ग्रेनेड फेंक रहा है, 15 किल कर चुके हम लोग। अभी इधर जाके मेडिकिट मार लेते आराम से, ये लो। और ओ भाई इमोट दिखा रहा है, चलो कोई गम नहीं है हमें, क्योंकि हम लोगों ने लगभग बहुत ज़्यादा 15 किल, बहुत बड़ी बात है सोलो वर्सेस स्क्वाड में मेरे को ऐसा लगता है। और उसके अलावा हम लोगों ने बंदों का रैंक काफ़ी माइनस करवाया है, तो किसी ना किसी की तो हाई लगेगी ही लगेगी। और वैसे भी अभी तक मैं प्लेटिनम 3 पे हूँ, तो मैं लोगों के और भी रैंक माइनस करवाने वाला हूँ, और भी ऐसे सोलो वर्सेस स्क्वाड के गेम प्ले आएंगे जहाँ पे मैं लोगों के रैंक काफ़ी माइनस करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा खुद का लो रैंक है और सीजन भी वैसे अभी अभी नया ही स्टार्ट हुआ है, वरना हीरोइक जाना कोई बड़ी बात नहीं है।